मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूजीलैंड, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। जैसे जैसे 2024 का वक्त करीब आ रहा है, मुल्क की सूरत हाल बदल रही है। आप जान रहे हैं कि अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन होने हैं और गुजरात में भी इलेक्शन होना है। ऐसी सूरत हाल में हमारे सामने में है कांग्रेस के सीनियर लीडर, झारखंड प्रदेश से आते हैं जनाब परवेज अख्तर साहब। सरप्रस्त न्यूजीलैंड में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज साहब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मगध यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सामाजिक कारकुन हैं और पूरे देश भर में मिल्ली मसाइल पर, सामाजिक मसाइल पर, तालीमी मसाइल पर काम करते रहते हैं। चलिए, उनका आज कलकत्ते का एक दौरा है, आज योम तालीम भी है। आज पूरे देश भर में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का योम पैदाइश है और आज के दिन को हम लोग नेशनल कौमी तालीम, योम कौमी तालीम के तौर पर, नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर भी मना रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो भी हजरात हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या हमारे लाइव देख रहे हैं, उन तमामी हजरात को आज नेशनल एजुकेशन डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम यहीं से बात शुरू करते हैं। जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब को लेकर के देश को के साथ चले थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, आजादी की लड़ाई में भी पेश थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ चले थे, ऐसी सूरत हाल में क्या बिगड़ गया, क्या हो गया 70 सालों के बाद? 75वीं हम लोग जो है अभी मनाया था आजादी, जो अमृत महोत्सव मनाया था, मगर उसमें देख रहे हैं हिंदू मुसलमानों का तफरका बहुत ज्यादा फैल चुका है। क्या सूरत हाल थी, कहाँ कमी रह गई कि हम लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमान नहीं, बहुत खुशी की बात है और हम सबसे पहले सरप्रस्त न्यूज के चीफ एडिटर साहब से तमाम लोगों को आज उनके हिंदुस्तान के योम तालीम के मौके पर भी मुबारकबाद में पेश करता हूँ। मैं शोभा तालीम का ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हमारी जिम्मेदारी है कि तालीम गोशा गोशा तक पहुँचे, हर घर में पहुँचे, यही हमारा वही फर्ज है। आज के हालात में ये कहना चाहता हूँ कि मौलाना आजाद मुल्क हिंदुस्तान के वो सियासतदार थे जिन्हें कलम से इंकलाब पाया और हिंदुस्तान की जमीन शाहिद है, तारीख भी शाहिद है कि सबसे यंग इंटेलेक्चुअल और यूनिटी का माहिर, देश रत्न, पहला तालीम वजीर होने के बाद भी जिस तरह से क्रांति को, इंकलाब क्रांति को मौलाना आजाद ने सिंह दिया, कलम से, अखबारों से, रिसालों से, पर्चों से, अपने आप में तारीख और मक्का की जमीन पर 1888 में 11 नवंबर को पैदा होना अल्लाह का एक खास तोहफा था। और जब मुल्क हिंदुस्तान में आए और जिस तरह की आज़ादी की जंग में उन्होंने एक नौजवान होने की हैसियत नफ़स निभाया कि तारीख में शाहिद नहीं, और हमें फख्र है मौलाना आजाद के मानने वाले, मौलाना आजाद के हम लोग अनुयायी, और हमें याद भी वो है मौलाना आजाद ने मुल्क हिंदुस्तान की तकसीम के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी कोशिशें की, मुल्क हिंदुस्तान किसी ने मौलाना आजाद की हुई तकरीर याद कीजिए आप, जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उन्हें कहा था, ऐ लोगों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे आबा आजादों ने जामा में वजू किया है और मुल्क हिंदुस्तान की तमाम तकदीरें तुम्हारे बिना अधूरे होंगे। आज मैं खराज अदियत पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पैदाइश है, आज मैं उनका अहद कर रहा हूँ कि मौलाना आजाद ने जिस मुल्क हिंदुस्तान में ये तस्वीर देखी थी कि हमारा हर बच्चा अदब से वाबस्ता हो, हर घर में हिंदू मुसलमान एकता हो, हर लोग तालीम से वाबस्ता हो, तो लगभग चीजें हो रही है। यहाँ पर रुकने के साथ मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह और गांधी जी, महात्मा गांधी जी जब एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, दोनों का मकसद एक था कि हिंदुस्तान को आजाद करवाना और हिंदुस्तान को आजादी के बाद लोकतंत्र, जमहूरियत, कंट्री बनाना। न गांधी जी चाहते थे ये मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, न मौलाना अबुल कलाम आजाद चाहते थे ये मुल्क ममलकत इस्लामिया बने, मगर क्या सूरत हाल है, आज जो है मजहब के नाम पर वोट मांगा जा रहा, तो कहीं ना कहीं गांधी के सपने को, मौलाना आजाद के सपने को चकनाचूर किया जा रहा। आज ये देख करके, ये मुल्क की सूरत हाल देख करके उनकी रूह तड़प उठती होगी, हमने ऐसा हिंदुस्तान का ख्वाब नहीं देखा था। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं मोहम्मद परवेज अख्तर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत उमदा सवाल किया और वाकई इस सवाल पे हमें फख्र होता है कि आप जैसा अगर अखबार नवीस रहे तो लोगों की आंखें खुल जाए। आप देखिए, जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो हमने सिर्फ भारत और हिंदुस्तान के नाम आजादी, दूसरा कोई लफ्ज ही नहीं था, चाहे वो जितने सारे माहरीन थे, जितने सारे मुजाहिदे यारी थे, चाहे हमारे छोटे बड़े पिछले, गांधी जी की फिलोसफी, वो इंसान जो एक छोटी कुर्ता में, जिसको मौलाना आजाद मानते हो, जवाहरलाल नेहरू मानते हो, जिसको सरदार पटेल मानते हो, अम्बेडकर मानते हो, मोहम्मद जहरी मानते हो, शौकत अली मानते हो, मुख्तार अहमद अंसारी मानते हो, तमाम लोग नेता सुभाष चंद्र बोस मानते हो, एक ही बच्चा जो हमारा शहादत पर अब्दुल कलाम बोस हो, इस कलकत्ता की जमीन का माहिर, चाहे हमारा भगत सिंह हो, चाहे हमारे फाकुल्ला सुभाष चंद्र बोस हो, तमाम ने गांधी को माना। क्यों माना? गांधी में जो चीजें थी वो चाहते थे हमारा सब भाई, ये एक समाज है, इस गुलदस्ता में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रोया हुआ है तो मुल्क हिंदुस्तान डाइवर्सिटी में खूबसूरत लगता है। अलग अलग गुच्छे जब जाते हो बागान में घूमने, जब अलग अलग फूल होते हो, तस्वीरें खींच जाती है, वही मौलाना आजाद की
और गांधी जी की थी कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, ये मुल्क बट जाएगा, फिर मसल अलग हो जाएगा, तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि फिरका पंथ ताकतों का ये जहर बन गया है आज के डेट में कि अब हमको हुकूमत तो सिस्टम में नहीं मिलेगा, हम अपने फिलोसफी हमारी खराब है, क्योंकि जो लोग आज हुकूमत में है चाहे वो गोरवलकर के लोग हो चाहे वो सावरकर के लोग हो, इन्होंने माफी मांगा है, आजादी में कोई रोल नहीं है। इनको बाद में समझ में आया आजादी के बाद कि आजादी क्या होती है, जब गांधी जी ने दिला दिया और इनके माने लातूराम गोडसे सबसे बड़ा आतंकवादी, ये लोग उसके नक्शे कदम पर चल के मुल्क हिंदुस्तान को आज बर्बाद कर रहे हैं। वरना उसूल की अगर बात करेंगे बीजेपी जैसी, यहाँ पर प्रवेश अख्तर साहब मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ, आप झारखंड प्रदेश से आते, झारखंड रियासत से आते हैं, और जब उस वक्त तो आजादी से पहले जो झारखंड वो भी बिहार में था, और झारखंड अभी झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी रामगढ़ में कांग्रेस का कन्वेंशन चल रहा था, मौलाना कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह उसकी सदारत फरमा रहे थे, और उसी जलसे से उन्होंने फरमाया था कि अगर ये मुल्क हिंदू मुसलमान की तफरीक के बिना पर ये मुल्क को स्वराज्य मिलता है, आजादी मिलती है, हम ऐसी आजादी को कबूल नहीं करेंगे, या एक कुतुब मीनार से आसमान की बुलंदियों से फरिश्ता उतर करके नीचे आए और बोले कि आप हिंदू मुसलमान की तफरीक पर अलग हो जाइए, हम आपको आजादी दे देंगे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था अगर ये आजादी मिलने में ताखीर होती है जो मुल्क हिंदुस्तान का नुकसान होगा, मगर अगर हिंदू मुस्लिम के तफरीक के नाम पर आजादी मिली तो ये इंसानियत का नुकसान होगा। मैं इंसानियत का नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मगर आज जो राजनीति हो रही है तफरीक डालने की, हिंदू मुसलमानों को अलग करने के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, क्या कहते हैं, आज हम मौलाना आजाद का योम पैदाइश मना रहे, पूरे देश भर में मना रहे, और जहां जहां हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में बसते हर वो जगह में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के योम पैदाइश मनाया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरपरस्त नाज़रीन को, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके पैगाम को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सुंदर सवाल किया। आज मेरा पैगाम यही है कि मुल्क हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ मजहब से, मुख्तलिफ जबानों से, मुख्तलिफ नस्लों से, मुख्तलिफ तरह से बना हुआ है और बहुत खूबसूरत लगता है। आज राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, देखिए लोगों से जो मिल रहे हैं कैसे कैसे गुच्छे नजर आ रहे हैं। मजहब के नाम पे वोट मांगा जा रहा है आज के डेट में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मजहब के नाम पर वोट करते हैं। मौलाना आजाद ने मजहब के नाम पर आजादी को ठुकरा दिया, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान दोनों अलग नहीं जी सकता जी, चाहे वो परब का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे खाने पीने का मामला हो, चाहे रखने का मामला हो। आप पूछ लीजिए, वो दिन हमें याद है जब ताजिया हिंदू उठा के ले जाया करता था, वो हमें याद है जब रामनवमी में पानी पिलाते थे सामने खड़ा होकर। हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहेगा तो मुल्क हिंदुस्तान नहीं पनप सकता, तरक्की नहीं कर सकता है। मजहब के वोट मांगना कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और मैं कहूंगा अपने नए तबकों को, आने वाले नस्लों को, अरे बच्चों तुम उसूल के नाम पर वोट मांगो, सिस्टम के नाम पर वोट मांगो, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर मांगो, मजहब करने के लिए, इसलिए कि बेरोजगारी तुमको जरा मसला है, महंगाई मसला है, हमारी मेहमानों की इज्जत का मसला है, आने वाली नस्लों का मसला है, मुल्क हिंदुस्तान के अलग अलग चीज उसका मसला है। मुल्क हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर कैसे जी सकते हो, तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा। इसलिए कि जब ईद के दिनों में हम लोग निकलते हैं सिवैया खाने, मेरे घर में जब हिंदू आते हैं शौक से आते हैं, दिल खोल के आते हैं, बकरीद में आते हैं, हम लोग उनके दुर्गा पूजा में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, नहीं जी सकते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदुस्तान में अलग अलग कत्ते जी सकता है, इसलिए हमारा तमाम बिजनेस, हमारा तमाम कारोबार एक एक चीजों से जुड़ा हुआ है। अहम सवाल ले लेते हैं राहुल गांधी साहब को, भारत जोड़ो यात्रा निकालने की क्या जरूरत आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई इस मुल्क की नफरतें फैल चुकी, नफरत को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए समानता, यूनिटी, सिमिलरिटी, यकसानियत को रखने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी का इज्जत करे, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा क्या वाकई में हिंदुस्तान में नफरत फैल चुकी थी या नहीं, इस सवाल का जवाब लेते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर झारखंड प्रदेश से आए हुए जनाब परवेज अख्तर साहब। नहीं अखिल, मुल्क हिंदुस्तान में 2014 के बाद इस तरह से हालात पैदा हुए और बीजेपी के रहनुमाओं ने इस तरह से आवाजें दी, और सबसे ज्यादा अफसोसनाक तक उस वक्त लगा जब मुल्क वजीर आजम ये कहते हैं 1000 सालों तक हम दबे थे, बड़ी मुश्किल से हमें फिर आजादी मिली। अफसोस का मकाम है, इसलिए कि वजीर आजम मुल्क हिंदुस्तान का बाप होता है, गार्जियन होता है, हमारा सब कुछ होता है, हम उसके ऊपर इशारा करते हैं, पूरा 135 करोड़ के प्रमाणित होते हैं, ये लफ्ज निकला। और धीरे धीरे जो मॉब लिंचिंग का मामला, मुसलमान को मारने का मामला और हिंदू मुसलमान करके मुख्य बनाने का मामला आने लगा, तब तक कांग्रेस पार्टी में बहुत खबराहट शुरू हो चुकी थी, इसलिए हो चुकी थी कि ये आपस में दिन ब दिन नफरत बढ़ते जा रही थी, जहां जिसको मिलता कोई मार दे रहा है, और मरने वाला किसी का बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है,
इसे मुल्क का नागरिक होता है, इसे मुल्क का रहनुमा होता है, जब वो कुछ भी बन सकता है उसको मार दे रहे हो। बहुत ज्यादा जब हालात बढ़ गए और खतरनाक जब हो गए 19 के बाद, तो 19 के बाद और मुल्क खतरनाक हो गए, तो बहुत अच्छे तरीके से मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह ने प्लान किया। और मैं आपको बता दूं कि शकील अहमद साहब जब इंचार्ज हुआ करते थे, मैं गलत बराबर उनको लिखा करता था जाकर से कि सत्याग्रह की जरूरत, सत्याग्रह की जरूरत मुल्क में, इसलिए बिना सत्याग्रह मुल्क नहीं ठीक हो सकता है। और नफरत की आंधी इतनी बढ़ गई कि जब आरएसएस के लोगों ने नाथुराम गोडसे को पूछना शुरू कर दिया, मैं परवेज अख्तर, अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क हिंदुस्तान में कभी भी अगर कोई ओहदा दे दिया तो नाथुराम गोडसे का नाम लेने वाला, तस्वीर रखने वाला और उसका इत्तबा करने वाला को एक को मैं नहीं छू सकता हूँ। इसलिए महात्मा गांधी जिनको क्लिंटन ने अपने हाउस में लगाया, महात्मा गांधी जो एक छोटा दो धोती नंगा पहन करके भी अंग्रेजी हुकूमत से भगाने में कामयाब हुए, अहिंसा के पुजारी, सत्य के पुजारी, और उनका बेइज्जती करते हो। महात्मा गांधी ने कहा था नफरत के साथ चलेंगे हम, कभी कभी नहीं चलेंगे। इसलिए किसी भी क्रम पर राहुल गांधी ने शुरुआत की है, मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, मैं तो दिल की गहराइयों से कैसा अंगड़ाई, मैं आपको बता दूं, दो मिनट आप दीजिए मुझे, कि जब राहुल गांधी इंदिरा गांधी की लाश के सामने उनके तड़पते हुए जब हम लोग आंसू देखते हैं तो रो जाते हैं, उसके बाद जब अपने वालिद को चिथड़े पे जब वो मुखाग्नि देते हैं उस वक्त उनका दर्द मुझे लगता है, उसके बाद उनकी माँ सोनिया गांधी जब 2004 में वाजपेयी जैसे शाइनिंग इंडिया को ब्लैकआउट करके बाहर निकलती हैं, और 2009 में जब कांग्रेस का बलबला होता है और राहुल गांधी जब सामने आते हैं, और उसके बाद जब राहुल गांधी 19 में देखा कि मुल्क हिंदुस्तान में नफरत फैल चुकी है और गोडसे के मामले बढ़ चुके हैं, महंगाई अब लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, रोजगार कहीं नहीं है, माँ बेटी की इज्जत कहीं नहीं है, दलित मुसलमान जहाँ छेड़ा जा रहा है, तो उन्होंने हद किया कि नहीं, अब मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक एक माँ बहन भाई बेटियों से मिलूंगा। और राहुल गांधी का देखिए आप किसी गले लगाते, आज राहुल गांधी घर से निकले तो हिंदुस्तान नजर आ रहा है, उनको समझ में आ गया है मेरा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत, हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग। आज राहुल गांधी ने गरीबों को गले लगाया, यतीमों को गले लगाया, विकलांगों को गले लगाया, बच्चों को कंधे पे लिया, सबको गोदी ली, और आज ये तारीख शाहिद रहेगी आजाद भारत का, गांधी जी के रास्ते पर चलकर ये सबसे बड़ा सत्याग्रह होगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में हम हिमाचल तो बहुत अच्छे से जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और हम गुजरात की जमीन पर जीत करने की तारीख रकम करेंगे, और 2024 में ये भारत जोड़ो यात्रा एक सत्याग्रह इंकलाब बनेगा, वही इंकलाब आजाद भारत का रहते भारत का तारीख शाहिद रहेगा। परवेज साहब एक अहम सवाल ले लेते हैं यहाँ पर, भारत जोड़ो यात्रा वगैरह निकल रहा है, बार बार कांग्रेस के लीडरान बोल रहे हैं कि भाई हमारा मतलब भारत जोड़ो यात्रा से वोट हासिल करना नहीं है, वोट की राजनीति करना नहीं है, जो देश में नफरतें फैली उसको खत्म करना है, बेरोजगारी खत्म करना, मां बहनों की इज्जत है, तो क्या लगता है कि 2024 में परिवर्तन होगा? अभी से शुरू हो चुका है जी। आप देखिए आज महाराष्ट्र में राहुल गांधी की है, सुप्रिया सुले आ गए जी, अब आदित्य ठाकरे भी आ गए, शरद पवार से भी तभी भी आने वाले थे, नीतीश कुमार तो शुरू से तैयार है कि जब कहीं जाए तो तैयार, देश भी तो हमारे साथ है, स्टालिन के साथ हम रही है, हेमंत जी हमारे साथ है, मुल्क हिंदुस्तान में बीजेपी इसलिए पागल हो चुकी है, उसके तमाम उसको छोड़ चुके, वो समझ नहीं पा रहा कहां से जिए कहां से मरे, इसलिए उसे नफरत की पार जो इकतदार पार्टी है जिनकी हुकूमत दिल्ली में बैठी हुई है, उसका पूरा नेशनल मीडिया का सेटअप तैयार है, उसके कॉर्पोरेट फ्रंट जो है पूरा मीडिया को मैनेज करके काम किया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल में आपके न्यूज को, भारत जोड़ो यात्रा को हम जैसे चैनल वाले दिखा ले रहे हैं मगर नेशनल चैनल पे कहीं नहीं आ रहा, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अब तो शर्मिंदा है, अब तो देखा मैंने कि न्यूज 24 तो खैर पहले से है, एनडीटीवी तो बहुत वाकई सब दिखाते होते हैं, निष्पक्ष है, अब तो आज तक वाले भी, एबीपी वाले भी, अब तो शर्मिंदा है, अब तो अमित जगन भी है, इसलिए कि भारत जोड़ो यात्रा ने ऐसा इंकलाब पैदा किया, योगेंद्र यादव जैसा रंजन यूजीसी के मेंबर इतने काबिल, प्रशांत भूषण जैसे लोग और बड़े बड़े जज, आज तो महाराष्ट्र में देखा है कि तमाम वकील रोड पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं कानून नहीं, राहुल गांधी किसके साथ हूँ, कि राहुल का जो नारा दिया है नफरत खत्म करना पहला, महंगाई खत्म करना दूसरा, बेरोजगारी तीसरा, और जो मुल्क हिंदुस्तान की पूंजी थी इसको नेहरू आजाद और हमारे पटेल और अम्बेडकर ने सजाया था संवारा था, पीएसयू जितने बड़े बड़े हमारे वो सब पीछे जा रहे हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, आखिरी सवाल ये है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा ऑलमोस्ट 6 महीने का है, 3500 जो है समझिए किलोमीटर की यात्रा है, ये तो ठीक है 6 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट खत्म हो जाना, तो ये सिलसिला जो आप लोगों ने, जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से जुड़ने का काम किया, ये क्या कंटिन्यू रहेगा या इसके बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा फिर इलेक्शन में नजर आएंगे, इसमें कंटिन्यूएशन आप में या नहीं रहता? नहीं, यकीन है मुल्क हिंदुस्तान सियासी जमहूरी निजाम का मुल्क है, आवाम यहाँ की मालिक होती है, आवाम के हाथ में
अम्बेडकर जी ने एक ऐसा पावर दिया है जो खरीदा जा सकता है बेचा जा सकता है, अनमोल, और फूट पे तय होता है सरकारी को। और आवाम को कुछ नहीं चाहिए, आवाम से पैसा नहीं मांगती, आवाम से बुनियादी सहूलत मांगती, आवाम से जुड़ना चाहती है। आवाम का सिर्फ ही मकसद होता है कि मैं किसी एमएलए किसी एमपी के पास गया, मुझे परेशानी है और उसको दूर हो जाए। मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता से, खासकर राज्यसभा वाले लोगों से, एमएलसी वाले लोगों से, विधायकों से और हमारे लोगों से, अरे लोगों राहुल गांधी जैसा लोग निकल चुके हैं और इतना कर चुके हैं, तमाम अकलियत के लोग, तमाम अकलियत के लोग, एक एक जमात के लोग, तमाम दलित के लोग, राहुल जी के बातों पर लबैक करो और जहां जो जिस लायक है कलम से लिखना है कलम से लिखो, जो दौड़ सकता है दौड़ छोड़ो, सब निकलो घर से और लोगों को जगाओ कि मुल्क हिंदुस्तान में 2024 में कहां सरकार बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश या गुजरात, दोनों जगह हम सरकार ही नहीं, दोनों जगह हमारी सरकार बनेगी और इख्तदार से बनेगी और मोहब्बत से बनेगी। और गांधी जी का जो सपना था और आजाद का सपना था कि सबका चेहरा मुस्कुराए, सब खुशी से दे, किसानों का चेहरा फूले, नौजवानों का चेहरा फूले, बहन बेटियों का चेहरा फूले, सब मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। आप देखिएगा 12 तारीख के बाद, दिसंबर के बाद, मुल्क हिंदुस्तान एक नई तस्वीर से उभर के आएगा और कांग्रेस पार्टी 2024 में नई तारीख लिखेगी, रक्त भारत तक याद किया जाएगा और राहुल गांधी जो मसीहा बन के भी निकले हैं और राहुल गांधी कुर्बानियां दी हैं, यकीनन वो अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ झारखंड के पूरे मुल्क की तरफ से, सतपथ लाइव बैठा हूँ मैं आपकी तरफ से भी, और ये राहुल गांधी को अल्लाह तबारक व तआला लंबी उम्र से हद दे और आने वाला मुस्तकबिल राहुल गांधी मुल्क हिंदुस्तान को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, कांग्रेस के लीडर है, झारखंड प्रदेश से आते हैं, माइनॉरिटी वगैरह के मसाइल को लेकर के, तालीम मसाइल को, सामाजिक फलाह बहबूदी के लिए काम करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, दीजिए भाई महमूद सरसरी के साथ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन हजरात हमारे चैनल के साथ अभी भी रूबरू है, उन तमाम हजरात से गुजारिश है कि लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, इसलिए कि हम जनता की आवाम की आवाज को सामने में लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।